हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका आज के एक और नई अनबॉक्सिंग वीडियो में। आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं ट्रूक वायरलेस ईयरबड्स BTG 3 को। जी हाँ, ये हमें आज ही रिसीव हुआ है। मैंने दो कलर मंगाया है, एक रेड है एक ब्लैक है। ये वाला वेरिएंट जो है ये रेड कलर में है, देख सकते हैं आप। और ये ब्लैक वाला मेरे पास यहाँ इधर है, ये रहा, जैसे आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर में है। जी हाँ, इसको मैंने अनरैप नहीं किया है, इसको मैंने अनरैप कर लिया था, अभी भी किया है अनरैप। तो इसको हम से रखते हैं साइड में। रेड वाला मुझे, मेरा फेवरेट रेड वाला था। तो अरे अरे क्या हो गया, फोकस हो जा यार। जी हाँ, मेरा फेवरेट था रेड वाला। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पीछे कुछ हाइलाइट दिए हुए हैं, जैसे कि AI पावर्ड नॉइस कैंसिलेशन, 55 ms अल्ट्रा लो लेटेंसी। जी हाँ, ये है गेमिंग ईयरबड्स, ऊपर आप देख सकते हैं बोर्न टू गेम। तो इसमें 55 ms की अल्ट्रा लो लेटेंसी मिलती है, ऑटो इन ईयर डिटेक्शन एंड पावरफुल बेस। तो जैसे देख सकते हैं व्हाट इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर आपको मिल जाता है ईयरबड्स, चार्जिंग केस एंड ईयर टिप्स एंड टाइप सी USB केबल। वाह, टाइप सी USB केबल अच्छा है। तो हम फटाफट इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। थोड़ी दिक्कत हो रही है, एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है ना, इसीलिए कोई बात नहीं, फटाक से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं हम। ये आ गया हमारा बाहर साइड में। तो ये कुछ ज्ञान भरी बातें हैं इसके बारे में। जी नहीं, ये तो वारंटी कार्ड है, अरे बड़ा काम का है, इसको रखते हैं साइड में। ये रहा कुछ ज्ञान भरी बातें इसके बारे में, ये इसको रखते हैं साइड में। ये कुछ एक्स्ट्रा ट्यूब दे रखे हैं, जो कि आपके अगर रबड़ वाले खो जाएँ तो। जी हाँ, ये रहे हमारे ईयरबड्स, निकल जा बाहर, इसके आप देख सकते हैं। एंड दिस इज़ हमारा चार्जिंग केस। ओह, ये भी रैप में आया है क्या, वाह अच्छा है। जल्दी से हम इसको भी अनरैप करते हैं। ओह हो, क्या ही शाइन मार रहा है भाई, एक नंबर। एकदम स्पाइडरमैन लुक। एक बार, ओह इस पे पॉलिथीन लगी हुई है, इसको भी अनरैप कर देते हैं। जी हमने इसको अनरैप कर लिया है, तो एक बार इसके अंदर डाल के देख लेते हैं कैसा हो रहा है ये। अरे अरे डाल जा यार। ओ हो, ये देखिए एकदम RGB लाइट के साथ आता है ये, अब ग्रीन है अब ब्लू। वाह, एंड दिस, ये बड़ी चाहिए, अभी चार्ज हो रहा है। तो चलिए एक बार इसका माइक टेस्ट कर लेते हैं, और एक बार उसका आउटपुट देखते हैं कैसा आता है। सो गाइस, जो आप ये आवाज़ सुन रहे हैं अभी इस माइक्रोफोन से और रिकॉर्ड हो रही है, मैं अपने कान में इसको लगा लिया है। सो ये एक मिनट इस फैन को बंद कर देते हैं। हाँ, अब ठीक है। तो गाइस, आप देख सकते हो कि ऐसी रिकॉर्ड आवाज़ इसमें रिकॉर्ड होती है। बाकी मैंने इसका साउंड टेस्ट भी किया था, मतलब मस्त था, मज़ा आ गया था सुन के। ना कुछ ज़्यादा लाउड भी नहीं था, ना ही ज़्यादा वो था, स्लो था, एकदम नॉर्मल जो होता है ना, कि हाँ एकदम बेस्ट वो था। तो इसका बेस भी बहुत अच्छा है। तो गाइस, ये था इसका रिव्यू। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।